दिखाई थी उसको हमारे पापा जी को मार देना, पता नहीं कौन से करने थे, पता नहीं रात की बहुत रात की हो रही थी। एक 9 साल की बेटी ने अपनी माँ को कातिल बनते देखा। उस मासूम ने देखा जब उसकी माँ अपने पति और उस मासूम के पिता को मौत देने के लिए ऑर्डर दे रही थी। उस मासूम ने अपने कानों से सुना जब उसकी माँ अपने पति का गला दबाने के लिए अपने आशिक से बोल रही थी, कह दी उसको हमारे पापा जी को मार देना। लेकिन उस वक्त उस बच्ची को कुछ समझ नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन जब अगले दिन सूरज उगा तो इस मासूम को पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, और तब इस मासूम ने अपने माँ के खौफनाक प्लान की जानकारी अपनी दादी को दी। असल में उत्तर प्रदेश के झांसी में एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी बीवी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि इस केस को सुलझाने में मरहूम की 9 साल की बेटी ने एक अहम रोल निभाया है। वैसे आपको बता दें 8 दिन पहले केशव जाटव नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी लाश रक्सा के कोटखेरा गांव में एक सुनसान जगह पर नहर किनारे पड़ी मिली थी। मृतक के परिजनों से मिली तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और इस ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा लिया। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि केशव को मौत के घाट उतारने से पहले उसे कीटनाशक दवा पिलाई गई थी जिससे वो बेहोश हो गया, और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और लाश को नहर किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि मरहूम की पत्नी अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज के लिए पिछले 2 महीने से पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही थी, और 12 जुलाई को 46 साल के केशव जाटक की बेरहमी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में मरहूम की 9 साल की बेटी ने एक अहम रोल अदा किया। बेटी ने बताया कि घटना वाली रात मम्मी हड़बड़ी में दिखी और वो किसी से कह रही थी कि शराब पिलाओ और उस केशव को आज हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, जल्दी करो, इतनी देर क्यों कर रहे हो। जब वो सुबह उठी तो पता चला कि उसके पापा की मौत हो गई है। घर में चीख पुकार मची थी, रोते हुए परिजन कह रहे थे कि केशव की तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं किसने उसे मार डाला। तभी बच्ची ने अपनी माँ और उसके प्रेमी के बीच हुई पूरी बातचीत को अपनी दादी और घर वालों को बताया। कह दी उसको हमारे पापा जी को मार देना, डर हुआ के पता नहीं कौन से करने थे, कितने बजे के समथिंग हो रही होगी बात, पता नहीं रात की बहुत रात की हो रही थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मरहूम की पत्नी को हिरासत में ले लिया और उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो लक्ष्मी और कमलेश के प्रेम संबंध का पूरा मामला पुलिस के सामने आ गया। फिर कमलेश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी कमलेश ने भी बताया कि उसके मृतक केशव की पत्नी लक्ष्मी से प्रेम संबंध थे जिसकी जानकारी केशव को थी, और वो उनके प्रेम संबंध को लेकर विरोध कर रहा था। लक्ष्मी उस पर कोर्ट मैरिज और केशव को रास्ते से हटाने का दबाव बना रही थी। इसके बाद उसने अपने ममेरे भाई रवि अहिरवार के साथ मिलकर केशव को मारने का प्लान बनाया। केशव जब अपने रिश्तेदार जितेंद्र अहिरवार की लड़की की शादी में शामिल होने झांसी के ग्राम कोटखेरा गया तभी इन्होंने उसे धोखे से कीटनाशक दवा पिलाकर बेहोश किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 12 जुलाई 2024 को जनपद झांसी के थाना रक्सा के गांव कोटखेरा के बाहर नहर की पटरी पर एक व्यक्ति का शव मिला था जिसकी पहचान केशव निवासी ततिया के रूप में हुई थी। केशव की भाई की तहरीर पर थाना रक्सा पर भारतीय न्याय संहिता की हत्या और साक्ष्य छुपाने की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे में नामजद अभियुक्त कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया था। कमलेश से पूछताछ में सामने आया कि कमलेश और मृतक केशव की पत्नी के आपस में अवैध संबंध थे जिसके चलते कमलेश ने अपने एक कजिन रवि के साथ मिलकर के पहले तो रास्ते में जब ये लोग ग्राम कोटखेरा में एक शादी के समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे सुनसान जगह देख करके इन्होंने शराब में एक कीटनाशक मिला करके मृतक को पिला दिया। जब वो बेहोश हो गया तो उसका गला घोट करके उसकी हत्या करके शव वहीं फेंक कर और साक्ष्य छुपाने के लिए अन्य जो आला कतल और मोबाइल वगैरह था इसे वहीं पर छोड़ करके भाग गए थे। इन तीनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मरहूम की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।